सो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ नीरज यार। तो जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब पे नए अपडेट एनी टाइम आते रहते हैं, और जितने भी अपडेट आते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती ही रहे। तो अभी यूट्यूब के 4 नए अपडेट आए हैं, और वो बहुत ही कमाल के अपडेट होने वाले हैं। अगर आप मोबाइल से भी अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। वो क्या 4 अपडेट हैं इसी वीडियो में सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आता है वो निकल के आता है टाइटल डिस्क्रिप्शन के लेकर। क्या होता है कि जब हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं, जब हमने यूट्यूब पे टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी चेंज करना होता है तो हमें क्रोम ब्राउजर में जाके वहाँ पे अपना YT वीडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन करना पड़ता था। तो अब फाइनली यहाँ से यूट्यूब ने एक नया अपडेट ला दिया है। अब हम लोग भी कुछ आने वाले कुछ ही समय में, 1-2 वीक में, यहाँ पे आप अपने YT स्टूडियो से भी सारे कुछ, यहाँ पे YT स्टूडियो से आप अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन सारे कुछ यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में अपने मोबाइल से ही आप चेंज कर पाएंगे। डेस्कटॉप मोड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी यार न्यूज़ निकल के आती है जितने भी मोबाइल यूज़र। दूसरा अपडेट निकल के आता है, ये आता है गूगल ड्राइव से। तो यहाँ पे क्या होता है कि गूगल ड्राइव से जैसे हम वीडियो अपलोड करते थे तो अब यहाँ पे गूगल ड्राइव से भी हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो जब हम लोग गूगल ड्राइव से वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे मेमोरी जो भी, यहाँ पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मतलब क्या होता है कि हमें सेव होगा और यहाँ क्लाउड से आप आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे और सेव भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी मोबाइल मेमोरी स्टोरेज भरने वाली नहीं है। ये बहुत ही कमाल का अपडेट निकल के आया है यूट्यूब की तरफ से। और जो तीसरा अपडेट निकल के आता है, ये आता है, अभी फिलहाल एक अपडेट इसी के बारे में आया था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके यहाँ पे आई बटन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा अपडेट आया ये आया है प्री पब्लिश को लेकर के। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे प्री पब्लिश क्या होता है, तो प्री पब्लिश जब हम डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर पर हम लोग वीडियो अपलोड करते थे तभी प्री पब्लिश का ऑप्शन देखने को मिलता था। तो प्री पब्लिश में क्या होता है कि प्री पब्लिश में अगर जब आप वीडियो अपलोड करने जाते हो डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट है या फिर वो मोनिटाइज होगा या फिर नहीं होगा, सारा कुछ वहाँ पे दे देता है। लेकिन अब ये फीचर आपको मोबाइल में ही देखने को मिलने वाला है। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये चौथी अपडेट है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जब हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और करने के बाद यहाँ पे हमको टाइटल डिस्क्रिप्शन और थंबनेल वगैरह लगाना पड़ता था, यहाँ पे अभी ये यूट्यूब एक नया अपडेट, अब मतलब कुछ कह लीजिए कि चेंज ही करने वाला है अपने यूट्यूब को। यहाँ पे अगर जब आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारे कुछ देखने को मिलने वाले हैं। ये बहुत ही कमाल की अपडेट है यार। तो आज की वीडियो में बस यही 4 नए अपडेट थे। आपको इसमें से कौन अपडेट अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसे ही नई नई अपडेट और नई नई वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।